Hello kids and welcome to English class. So we have completed our PT1 exam. Now it's turn to start our new chapter. The chapter that we are going to read today is from Unit 1. The name of the chapter is Neha's Alarm Clock by Girija Rani Asthana. Iski writer hai Girija Rani Asthana. Okay? So students, Unit 1 ki jo poem hai wo hum already pad chuke hain. Now today we are going to read the chapter. So for this you have to open page number 6, take a pencil to underline new words that we are going to come across the reading process. Okay, so students, how do you feel when early morning the alarm rings or your mother wakes you up? जब आपकी मम्मा सुबह सुबह मॉर्निंग में आपको उठा देती हैं बहुत जल्दी, या फिर जब आप स्कूल आते थे और आपकी मम्मा आपके लिए अलार्म सेट करती थी और व्हेन द अलार्म स्टार्ट्स रिंगिंग, हाउ डू यू फील? यू फील ना कि काश थोड़ी देर हम और सो पाते, ये अलार्म जो है इसने मेरी नींद डिस्टर्ब कर दी. तो ऐसा ही कुछ इस चैप्टर में होता है. दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल हुज नेम इज नेहा. ओके, नाउ शी गेट्स डिस्टर्ब व्हेन द अलार्म स्टार्ट रिंगिंग. So how she gets disturbed, what happened with her, that we are going to read in the story. So let's start. Neha's alarm clock. Narrator. Who is the narrator? A narrator is a person who narrates the story. जो कहानी सुनाता है उसे हम narrator कहते हैं. जो कहानी सुनाता है उसे हम क्या कहते हैं? Narrator कहते हैं. तो यहाँ पर narrator हमें scene बता रहा है, scenario बता रहा है story का. Okay? So ring, 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 off goes the alarm clock at 6 in the morning. Neha makes a face and covering her ears with pillow, snuggles under the warm blanket, but she knows she has to get up, she mutters to herself. Narrator, अब narrator हमें बता रहा है कि वहाँ पर story में क्या हो रहा है. Ring, 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 off goes the alarm clock at 6 in the morning. Now alarm gets start ringing at 6 o'clock. Neha makes a face and covering her ears with a pillow, snuggles under the warm blanket. So Neha, the girl, is sleeping and her वो disturb हो जाती है जैसे ही 6 o'clock alarm बजने लगती है. तो उसकी नींद खराब हो जाती है. तो वो क्या करती है? वो अपने कान जो ear है उन्हें cover कर लेती है अपने pillow से और खुद वार्म ब्लैंकेट, गरम ब्लैंकेट में लिपट कर सो जाती है. स्नगल्स का मतलब होता है लिपट कर सो जाना. तो वो अपने वो जो ब्लैंकेट होती है उसमें सो जाती है. बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप, शी मटर्स टू हर सेल्फ. लेकिन उसे पता है कि वो उसे उठना तो पड़ेगा ही, क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ता है स्कूल जाने के लिए, हमें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा ही. तो वो अपने अंदर ही अंदर बुदबुदाती रहती है, बड़बड़ करती रहती है और मतलब उसे बड़ा ही डिस्टर्बेंस महसूस होता है कि 6 बजे अलार्म क्यों बजती है नेहा. और वो अपने आप से क्या बुदबुदा रही है? मटर्स का मतलब होता है बुदबुदाना, बड़बड़ करना, है ना. दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड. इट्स सो अनफेयर. ओ हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग. I wish the clock would forget its job sometimes. अब वो अपने आप से बड़बड़ करती हुई क्या बोल रही है? This alarm clock always rings at 6 and pulls me out of the bed. कि ये अलार्म जो है रोज 6 बजे बज जाती है और मुझे इसकी वजह से रोज उठना ही पड़ता है. It's so unfair. Means ये कितनी गलत बात है, ये सरासर ना इंसाफी है इस अलार्म क्लॉक की, कि ये बज जाती है और मुझे उठना पड़ता है. Oh, how I would love to sleep a little longer in the morning. कि मैं कितना, मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मुझे थोड़ा और टाइम मिल जाए इस स्वीट सी मॉर्निंग में, ठंडी ठंडी हवा में अगर मुझे और भी सोने का मिल जाए, मौका मिल जाए, तो मुझे कितना अच्छा लगे, मैं बहुत इन्जॉय करूँ. I wish this clock would forget its job sometimes. वो बोली काश ऐसा हो कि ये जो क्लॉक, अलार्म क्लॉक है, ये अपना काम भूल जाए. मतलब ये जो रिंग, इट स्टॉप रिंगिंग इन द मॉर्निंग. नरेटर, समटाइम्स फॉल्स नेहा स्माइल्स. सो सॉरी, समथिंग फॉल्स नेहा स्माइल्स. अब कुछ गिर जाता है और नेहा स्माइल करती है. क्या गिर जाता है नेहा? ओ माई क्लॉक हैज़ फॉलन, हाउ हैप्पी आई हैम, टुमारो आई कैन गेट अप लेट. तो जो अलार्म क्लॉक है वो गिर जाती है और उसके गिरते ही नेहा मुस्कुराने लग जाती है और फिर बोलती कहती है मेरी अलार्म क्लॉक तो गिर गई है, टूट गई है, अब कल से मुझे इसके बजते ही उठना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ना बजने वाली है और ना मैं
उठने वाली हूँ तो मैं बहुत लेट उठ सकती हूँ कल. नरेटर. नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज नो अलार्म सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स. सो नेक्स्ट डे जो दूसरे अगले दिन क्या होता है कि जो अलार्म है वो बजती नहीं है और नेहा सोई की सोई रहती है. द स्मॉल चर्पिंग बर्ड्स विच कम टू विंडोज सिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग. अब नेहा को डिस्टर्ब करने के लिए कोई और वहाँ आ गया है और वो कौन है? स्मॉल चर्पिंग बर्ड्स. एज यू ऑल नो दैट इन द मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग द बर्ड्स स्टार्ट चर्पिंग. ओके सो कई बार हमारी चिड़िया की चर्पिंग करने से उनकी आवाज़ से उनकी मीठी मीठी आवाज़ से भी हमारी नींद खुल जाती है. तो इसी तरीके से जो बर्ड्स थी वो चर्प कर रही थी, वो इधर उधर उड़ रही थी. उन्होंने देखा कि नेहा अब तक नहीं उठी है. शी इज़ स्टिल स्लीपिंग. बर्ड्स वेक अप डियर वेक अप फास्ट. अब बर्ड्स आकर उसे उठाने लगी कि उठ जाओ, अब बहुत लेट हो चुकी है, अब तुम्हें उठना चाहिए. नरेटर. नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट. अब नेहा को उठना ही पड़ता है क्योंकि बर्ड्स आके उसे डिस्टर्ब करने लग गई. नेहा. ओ नो, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दीज बर्ड्स, व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन. तो नेहा ने कहा कि ये जो अब अलार्म क्लॉक नहीं रिंग करी लेकिन ये जो बर्ड्स हैं ये मेरे को उठाने चली आई, ये मेरे को डिस्टर्ब करने आ गई हैं, ये सारे लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? पहले तो अलार्म क्लॉक थी, फिर ये बर्ड्स थी, ये सारे लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते और मुझे सोने क्यों नहीं देते? नरेटर. इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू. द नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देर आर नो बर्ड्स ईदर, बट देर इज समवन एल्स हु डज नॉट वॉन्ट हर टू मिस द स्कूल बस. कैन यू गेस हु इट इज? द बिग ब्राइट सन. ही फिल्स नेहाज रूम विथ अ वार्म स्माइल. अब अगले दिन ऐसा ही होता है. नेहा ने क्या विश किया था कि अलार्म क्लॉक बजे ही नहीं तो उसकी अलार्म क्लॉक गिर जाती है, वो रिंग करना बंद कर देती है. उसके बाद उसे बर्ड्स उठाने आती हैं तो नेहा विश करती है काश ये बर्ड्स भी चली जाएं और मेरी नींद खराब नहीं करें और मुझे सुबह के सोने के मज़े लेने दें. लेकिन वहाँ बर्ड्स के अलावा कोई और भी पहुँच जाता है जो नेहा की नींद डिस्टर्ब करता है, और वो कौन है? इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू. नेहा की ये इच्छा भी पूरी हो जाती है. द नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देर आर नो बर्ड्स ईदर. अब अगले दिन वहाँ अलार्म क्लॉक भी नहीं होती है और बर्ड्स भी उसे उठाने नहीं आती हैं. बट देर इज समवन एल्स हु डज नॉट वॉन्ट हर टू मिस स्कूल बस. लेकिन कोई और वहाँ पर है जो ये नहीं चाहता कि वो अपनी स्कूल बस मिस करे. कैन यू गैस हु इट इज? क्या आप गैस कर सकते हैं कि कौन है वो? द बिग ब्राइट सन. वो है एक बड़ा सा सूरज. ही फिल्स नेहाज रूम विथ वार्म स्माइल. और नेहा के रूम में बहुत तेज धूप आ जाती है तो अब फिर से नेहा को जब गर्मी फील होती है तो उसे उठना पड़ता है, है ना? नेक्स्ट पेज. नेहा. ओ माई आईज, नाउ इज द सन वेकिंग मी अप, वाई कांट ही लेट मी बी. तो अब नेहा उस सन से भी डिस्टर्ब हो जाती है, उसे उससे भी शिकायत है कि इस सन ने मेरी, इस सूरज की रोशनी ने मेरी नींद खराब कर दी, क्यों ये मुझे अकेले नहीं छोड़ देते और मैं जैसा चाहूँ वैसा नहीं करने देते. नैरेटिव. इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम्स ट्रू. नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस. अब नैरेटर हमें बता रहा है कि नेहा की ये विश भी पूरी हो जाती है. अगले दिन जो सन है वो क्लाउड्स के पीछे, बादलों के पीछे छुप जाता है और नेहा खराटे लेकर सोती रहती है और वो तब तक सोती रहती है जब उसे कोई और भी जगाने आ जाता है. और वो कौन है? वो है नेहा की मदर. मदर. वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस. अब उसकी मम्मा उसे उठा रही है कि अब तुम उठ जाओ वरना तुम अपनी स्कूल बस मिस कर दोगी. नेहा. ओ नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप. अब नेहा को मम्मा से भी शिकायत है कि अब मम्मी क्यों आ गई मुझे उठाने के लिए. नरेटर. देयर इज नो एस्केप नाउ. नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी. कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट डे? तो नैरेटर हमें बता रहा है कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा क्योंकि अब उसकी मम्मा से वो बच नहीं सकती.
बाकी चीज़ों से तो वो बच गई, वो अलार्म से बच गई। अब उसने चिड़िया का, पक्षियों का आना बंद कर दिया। उसने सूरज को भी, उसने विश किया कि ये जो सूरज है ये भी नहीं आए, तो सूरज बादलों के पीछे छुप गया। लेकिन अब उसकी जो मदर है वो उनसे नहीं बच सकती, तो वो अब उठाने उसे आती थी तो उसे उठना ही पड़ता था, वो उनसे नहीं बच सकती। सो नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। अब नेहा उठती है और रेडी हो जाती है स्कूल जाने के लिए। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट डे? अब क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि अगले दिन क्या हुआ? नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट, हर वॉच सेज इट इज 6 o'clock, शी कॉल्स आउट टू हर मदर। अब नेहा अपने आप उठ जाती है, उसकी जो वॉच है वहाँ उसमें क्या टाइमिंग हो रखा है, 6 o'clock हो रखा है, और वो अपनी मम्मा को आवाज़ लगाती है। नेहा, माँ हु वोक मी अप टूडे? अब नेहा अपनी मम्मा को बोलती है कि मम्मा मुझे आज किसने उठाया। नेक्स्ट पेज, नैरेटर, मदर स्माइल्स। अब मदर जो है वो स्माइल करती है। मदर, हु एल्स? यू ऑफ कोर्स। तो मदर ने कहा कि और कौन उठा सकता है, तुमने खुद ने ही अपने आप को उठाया। मतलब अब नेहा को आदत पड़ चुकी है, अब उसकी आंख अपने आप ही 6 बजे खुल जाती है। नेहा, बट आई वॉज स्लिपिंग, हाउ कुड आई? नेहा कहती है लेकिन मैं तो सो रही थी, फिर मैं अपने आप कैसे उठ सकती हूँ। मदर, नाउ टेल मी व्हाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon? मदर ने उससे पूछा, अच्छा तुम ये ही बताओ मुझे कि तुम दोपहर में 1 बजे लंच क्यों करती हो। नेहा, आई फील हंग्री, क्योंकि मुझे भूख लगती है। मदर, व्हाई डू यू स्लीप एट 9 every night? तुम रात को 9 बजे क्यों सो जाती हो। नेहा, बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आती है। मदर, देर इज अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू वेन टू ईट, वेन टू स्लीप एंड वेन टू वेक अप। तो उसकी मामा ने उसे समझाया कि तुम्हारे अंदर एक घड़ी है जो तुम्हें ये इंटीमेट करती है कि कब आपको सोना है, कब खाना है और कब उठना है। तो हमें अपने आप ही साइन मिलने लग जाता है कि अब हमें उठना है, क्योंकि हम एक रूटीन फिक्स करते हैं, है ना, कि इतने बजे हमें उठना है, इतने बजे हमें खाना है। तो उस टाइम पर आते ही हमें अपने आप भूख लग जाती है, अपने आप हमें स्लीपी फील होता है ना। और जब हम उठने लग जाते हैं, अलार्म क्लॉक हमें उठाती है, मम्मा उठाती है, तो धीरे धीरे हमें ये भी हैबिट भी हो जाती है और हम सुबह भी अपने आप ही उठ जाते हैं। नेहा, ओ ओ, आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस। सो नाउ नेहा अंडरस्टूड, नाउ शी इज सेइंग दैट नाउ आई वॉन्ट टू गेट रेडी सो दैट आई कुड नॉट मिस द बस। मदर, रिलैक्स, टूडे इज संडे। नेहा, ओ ओ ओ, सो उस दिन, जिस दिन नेहा की आंख अपने आप खुली उस दिन क्या था, उस दिन संडे था, लेकिन नेहा तो उठ चुकी थी। सो शी ऑल्सो फेल्ट दैट, सो शी ऑल्सो रियलाइज दैट इट वॉज संडे, बट शी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग विदाउट द हेल्प ऑफ अलार्म क्लॉक, बर्ड्स, सन और मदर। सो नाउ शी डज नॉट, अब उसे अलार्म क्लॉक की, मम्मा की या बर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो अपने आप ही उठ जाती थी। ओके, सो स्टूडेंट्स, इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ टू गो टू स्लीप अर्ली टू बेड एंड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपने ये कोट सुना होगा कि अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो हमें रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए, इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एंड अंडरलाइन न्यू वर्ड्स। ओके, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स एंड द एक्सरसाइज पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, हैव अ गुड डे, थैंक यू।